और यकीन करें मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि मेरा प्रमोशन हो गया। हम लोग निकल चुके हैं और बाजी ने मुझे ये नहीं बताओ यार, ये भाई बाजी ने आज हमारी शॉपिंग थी विदाउट जवेरिया। मैं मम्मी के लिए भी एक चीज लाई। अरे अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो भाई आज है वेडनेसडे 27th of December और आज मेरा दिन बहुत ही कोई ज़बरदस्त गुजरा है, काफ़ी एफिशिएंट डे रहा। सो ये सारे काम बहुत अच्छे से हो गए, बहुत स्मूथली हो गए। सो मूड भी बहुत अच्छा है। अब जब मूड बहुत अच्छा है तो मैंने कहा चलें आप लोगों से कनेक्ट करते हैं और चलें फिर आए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं भाई घर में क्या चल रहा है, सब क्या कर रहे हैं। ठीक है। सो गाइस, कराची का मौसम तो बदल चुका हुआ है, ऑलमोस्ट सब ने स्वेटर निकाल लिए हैं और मैंने अभी तक स्वेटर पहना नहीं है। और आज का तो आप यकीन करें ऑफिस भी मैं ऐसे ही जा रही हूँ। अम्मी कह रही है भाई क्या मसला है तुम्हारा, अभी तक स्वेटर नहीं पहना। तो मैं सोच रही हूँ कि सुस्ती चल रही है, बस समझ में नहीं आ रहा कि स्वेटर निकालूँ क्या ना निकालूँ। और मज़े की बात आप ये देखें कि बाजी जो हमारी कभी स्वेटर नहीं पहनती हैं, बाजी ने स्वेटर पहन लिए। सो खैर मैं भी अब कोशिश कर रही हूँ कि अपनी कबट में से निकालूँ, थोड़ी सी एक्टिव हो जाऊँ, सुस्ती थोड़ी ख़त्म करूँ और स्वेटर निकाल लूँ भाई, क्योंकि सुबह में वाकई मौसम थोड़ा ठंडा होता है तो स्वेटर तो पहन लेना चाहिए ना। सही है। सो भाई बाजी तो अभी तक ऑफिस से नहीं आई है और आज चल के देखते हैं कि भाई किचन में क्या बना है, आज के डिनर का क्या मेन्यू है। तो भाई आए ज़रा चेक करते हैं, खुशबू तो आ रही है मुझे तो। और आज बना है वाओ पालक गोश्त बना है भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह। आज अभी ने काफ़ी दिनों के बाद बनाया है पालक गोश्त। अच्छा मुझे पालक गोश्त पसंद नहीं है, मैं पालक चिकन खा लेती हूँ लेकिन मुझसे गोश्त नहीं खाया जाता, पता नहीं क्यों। बट बाजी के लिए तो आज ईद है भाई, गोश्त बना है। बाजी तो कहती है एक बोटी और एक रोटी, बस बाजी खुश है। चले भाई गाइस, हम तो खाना खाने लगे, बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। और गर्मा गर्म तंदूर की रोटी, कड़क रोटी और साथ में अम्मी का बनाया हुआ पालक गोश्त, आज है फिर शुरू करते हैं जी गाइस। सो भाई अस्सलाम वालेकुम, नेक्स्ट डे हो चुका है। कल खाना खाने के बाद मैं ज़रा कामों में बिज़ी रही तो मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया। तो अभी ऑफिस से आई हूँ तो मैंने कहा चले आप लोगों से कनेक्ट करते हैं। और गाइस आज आप मुझे दोबारा इसी शर्ट में देख रहे होंगे, भाई ये मेरी बहुत फेवरेट शर्ट है। तो हो सकता है कि आप लोगों को अभी इस कमिंग विंटर सीजन में आप लोगों को मैं बहुत ज़्यादा इस शर्ट में मैं आप लोगों को नज़र आऊँ, तो खैर बेयर कर लीजिएगा थोड़ा सा। भाई भाई मुझे पसंद है ना, आप क्या करें, सही है ना। सो भाई आज के व्लॉग का मेन सब्जेक्ट क्या है, वो के आप जो कि आप लोगों को पता चल ही चुका होगा, सही है गाइस। सो भाई द मेन सब्जेक्ट इज़ द थिंग आई वांटेड टू शेयर विद यू ऑल इज़ डैट गाइस, आपकी बहन का हो गया है प्रमोशन। जी हाँ, और वन ईयर की सर्विस में अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव गॉट प्रमोशन और मैं बहुत ज़्यादा अल्लाह का शुक्र अदा कर रही हूँ। और यकीन करें मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि मेरा प्रमोशन हो गया। और मैं आपको सही बात बताऊँ यार, मेरी अम्मी की दुआएँ, लिटरली मेरी अम्मी की दुआएँ जो मैं आज इस मकाम पर हूँ। और बस और मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगी, मैं इसका क्रेडिट बिल्कुल भी नहीं खुद से लूँगी, इसका सारा क्रेडिट जाता है मेरी अम्मी की दुआओं को। और अल्लाह ताला का बहुत ज़्यादा शुक्र अदा कर रही हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे ये दिन दिखाया है, सही है। सो भाई ये खुशी थी, ये चीज़ थी एक जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। अब चूँकि खुशी है, कुछ माहौल बना चाहिए, कुछ सेलिब्रेशन होनी चाहिए, ठीक है। तो इसी खुशी में हमने जो है वो आज प्लान बनाया है लकी वर्ल्ड जाने का, सही है, जो कि आप लोगों को पता है कि भाई हमारा कितना हैप्पी प्लेस है, ठीक है। हम लोग जो है वो बहुत फ्रीक्वेंटली जा रहे होते हैं लकी वन में, ठीक है। सो खैर बाजी और मैं आज जाएंगे लकी वन, अम्मी हमें ज्वाइन नहीं कर रही क्योंकि ऑब्वियसली अम्मी की तबीयत भी कुछ ठीक नहीं और अम्मी कह रही है भाई मुझसे इतना चला नहीं जाता। सो मैं और बाजी जाएंगे, ठीक है, कुछ सेल वगैरह भी, कुछ शॉपिंग करते हैं, कुछ खापा करते हैं, कुछ पीते हैं, मौज मस्ती करते हैं, ठीक है गाइज। सो स्टे ट्यून्ड। चले जी गाइज, हम लोग हो चुके हैं रेडी और बाजी भी आ गई है ऑफिस से एंड वी आर फाइनली लीविंग फॉर लकी वन। सो गाइज हम लोग पहुंच चुके हैं लकी वन और आज जो है हम सबसे पहले जाएंगे जनरेशन। बाजी मुझे दिलवाओगी सैटरडे को? हाँ हाँ। प्रमोशन का गिफ्ट? हाँ। प्रमोशन का गिफ्ट कौन सी वाली? क्या मतलब कौन सी वाली, अभी एक ही फिर ये फिलहाल बाबे लेके देना, वो भी आए देखते हैं क्या लेके देती है बाजी। सो गाइस हम लोग निकल चुके हैं और बाजी ने मुझे भाई बाजी ने मुझे गिफ्ट लेके दिया एंड मौके मुझे कह रही है गिफ्ट ले लो, लेकिन गिफ्ट प्रमोशन का बिल्कुल भी नहीं लेके दिया, कह रही है बर्थडे का। अब नेक्स्ट गिफ्ट क्यों ले रहा है यार, क्या मतलब है प्रमोशन हुई, कोई मजाक है बंदे की? बैंकिंग में आपकी एक साल में प्रमोशन हो गया, आपकी कितने साल में प्रमोशन हुई थी बताओ? अच्छा आप ये कह रहे हो ऐसी परफॉर्मेंस की है, ऐसी बात है यार, मैं अपनी प्रमोशन की बात कर रही हूँ, कोई मजाक चल रहा है? चलो ये दोनों रख लो, चलो यार अभी एक गिफ्ट मिला है बट दैट इज फॉर बर्थडे, ठीक है, प्रमोशन का गिफ्ट अभी ड्यू है। चले गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं कारफोर, हम लोग को बस अभी मेनली हम लोग को जाना जनरेशन जो कि हम लोग होके आ चुके हैं
एंड नाउ वी आर लिविंग फॉर कारफोर, वहाँ पे जो चीज़ें लेनी है वो रहते हैं। सो गाइस आई लव दिस कॉर्न्स और इसमें बहुत सारे फ्लेवर्स हैं। ये देखें भाई इतने सारे लाइन से फ्लेवर्स लगे हैं इसके, और ये चेक भी कर लें कितने का है, 655 का। सो भाई ये एक अदद हम लोगों ने जैम ले लिया अपने पप्पा के लिए, उनको ये ज़्यादा पसंद है। ठीक है, पूरी घरेलू शॉपिंग कर रहे हैं हम लोग, ग्रॉसरी टाइप कर लिए। ये हमने दूध ले लिया अपने चाय के लिए, ये हमारी छोटी सी बेबी सी बाजी है, उन्होंने अपने चिप्स लिए हैं। चले गाइस हमारे तो यहाँ से हो गई जितनी शॉपिंग हमें करनी थी, फटाफट से बिल करवाते हैं। गाइस वी आर लीविंग फॉर होम, कुछ भी नहीं खाने का दिल कर रहा, बाजी कहने की मेरा दिल नहीं कर रहा, तो हम लोग अभी घर जा रहे हैं। सो गाइस वी आर बैक होम और बस घर आके पहले डिनर किया, फारिग हो गए डिनर से। अब अम्मी को हम दिखाने लगे हैं गिफ्ट जो के बाजी ने मुझे लेके दिया है। सही है, तो आए जरा शॉपिंग देखते हैं कि क्या सूट लिए, किस कलर के सूट लिए। सो गाइज आज हमारी अम्मी भी आ गई हैं व्लॉग में, और अम्मी को देखें माशाल्लाह शॉल स्वेटर ट्राउज़र, अम्मी ने तो फुल माहौल बनाया हुआ है, लग रहा है लाहौर में आ गई अम्मी। अम्मी कराची की सर्दी है इतनी भी क्या, मैंने तो एक भी नहीं पहना, आपने तो इतना कुछ पहना हुआ, मुझे लग रहा है कि वाकई सर्दी आ गई है। आप लोग जवान हैं। नहीं तो जवान है तो क्या हो गया, आप भी जवान ही है अम्मी। टांगों में मेरे बहुत पेन होता है ना, मैं एक जगह से चले सर्दी पहन लगती है, अच्छा है ना स्वेटर पहना हुआ। सही है, चले आपको गिफ्ट दिखाऊं बाजी ने लेके दिया है मुझे। ये देखें अम्मी जनरेशन से लेके दिया, अब आप खोल के दिखाएं कैसा है। लेकिन अभी से ही आप पब्लिसिटी कर रहे हो यार। क्या मतलब है पब्लिसिटी कर रहे हो भाई, देखें ये बाजी ने गिफ्ट लेके दिया है, इतना अच्छा कलर है भाई ये तो। आए चले अभी बटन कैसे लगा, मुझे इसके जितने अच्छे लग रहे थे बड़े ही इत्तेफाक से बस मुझे मिल गया, ये अच्छा लग रहा था ग्रीन कलर ना। हाँ ये अच्छे कलर, अच्छा है सब, अच्छा सही है ना, सर स्ट्रेट ट्राउज़र है। सो गाइज ये लिया है बाजी ने अपने लिए, और इसकी डिटेलिंग कुछ इस तरह से है, ये भी अच्छा लग रहा है इसकी ना, इन्होंने ये कुर्ता पट्टी बनाई है, और बाकी ये पूरा वन कलर शर्ट है वैसे, और बाजी का भी स्ट्रेट ट्राउज़र है और यही कुर्ता है स्टाइल स्ट्रेट शर्ट, अच्छा है ना मम्मी। अच्छा मुझे वहाँ भी नहीं अच्छा लग रहा था, लेकिन चले अच्छा है फिर भी, बाजी का इतना बुरा नहीं है, सही है अच्छा है, और लिनन मटेरियल ना ठीक है, हाँ बाजी पतली लगेगी। सो गाइज ये थी हमारी शॉपिंग जो कि हमने की है जनरेशन से, और आज हमारी शॉपिंग थी विदाउट जवेरिया। मैं अम्मी के लिए भी एक चीज लाई हूं। अरे अम्मी के लिए भी एक चीज ले बाजी ने, और ये देखें अम्मी को इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। सो ये बाजी को इत्तेफाक से नजर आ गई, बाजी ने कहा अरे अम्मी यही डिमांड कर रही थी, ड्राइनेस हो ही जाती है घर में, नहीं लगता बाहर जाके लगता है। हाँ नहीं सही है, अब आप यूज भी कर लीजिएगा अम्मी। जी गाइस सो भाई आज का दिन हुआ मुकम्मल, आज का दिन कुछ ज़्यादा ही लंबा था भाई, आज आप यकीन करें मैं फजर से भी पहले की उठी हूँ, सो मेरे लिए तो आज का दिन कुछ ज़्यादा ही लेंदी था। एनीवेज आज के व्लॉग में फिर यहाँ पे करने लगी हूँ, एंड उम्मीद है कि आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आप लोगों को वीडियो वाकई पसंद आई तो प्लीज़ जरूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे दोबारा से एक नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।